नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयानंद है। ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं टेक की वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि हमने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड करी हुई है और इन फ्यूचर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि हमारे डीआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बनाना चाह रहा हूँ, जिसका मैं देखेंगे कि अगर आप लोग अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में विंडो 10 यूज करते हो तो कैसे पता करेंगे कि हमारा विंडो 10 एक्टिवेटेड है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर को खोलना है, दिस पीसी को। तो विंडो 10 में दिस पीसी होता है, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद भी यहाँ पे दिस पीसी आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा विंडो एक्टिवेटेड, तो हमारा जो विंडो 10 है ये एक्टिवेटेड है। अगर आपका एक्टिवेटेड नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड, वहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि विंडो इज एक्टिवेटेड। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपका विंडो 10 आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में एक्टिवेटेड है या नहीं है। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर कभी कुछ पूछना हो तो आप ऐसे कमेंट पर पूछिएगा, जिसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी जाते जाते आप लोगों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारी डी आई टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके, तब तक के लिए बाय।